ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों, हमारा यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। यह समय माघ मास के कृष्ण पक्ष का समय है और मिथुन राशि वालों के लिए बेहद खास और शानदार है। चलिए शुरुआत करते हैं 15 तारीख बुधवार से। 15 तारीख बुधवार को दिन के समय में पंचमी तिथि रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। सूर्य का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है और चंद्रमा कन्या राशि से गोचर करेंगे। मिथुन राशि वालों, यह दिन आपके करियर में बदलाव का है। आप अपने करियर में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कोई भी मुश्किल काम आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हर काम को आप अपने लिए आसान बना देंगे। बुधवार के दिन कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, सोच सकारात्मक रहेगी, मेहनत करने को भी आप तैयार रहेंगे। इस दिन कार्यस्थल पर कुछ बदलाव हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की कोई प्लानिंग आप करने वाले हैं। बिजनेस करने वाले नया निवेश कर सकते हैं। जॉब करने वालों के पुराने अधूरे काम बनते हुए दिखाई देंगे। कार्य की अधिकता कार्यस्थल पर बनी रहेगी। आपकी कंसंट्रेशन कैसे अच्छी बनी रहे, इस बात का प्रयास आपको करना चाहिए। बुधवार के दिन स्वभाव में थोड़ा क्रोध भी बढ़ सकता है। सरकारी कामों में सफलता का योग इस दिन बनने वाला है। भाई बहन से और मित्रों से भी मदद प्राप्त होगी। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप ऊंचाइयां छू सकते हैं। बात करें 16 तारीख गुरुवार की, इस दिन सप्तमी तिथि रहेगी। हस्त नक्षत्र होगा, चंद्रमा का नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा कन्या राशि से गोचर करेंगे। मिथुन राशि वालों, पारिवारिक जिम्मेवारियां गुरुवार को पड़ सकती हैं। गुरुवार के दिन धन की स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। व्यापार कारोबार में धन लाभ होगा। अपने कामों में आपको सक्सेस मिलने वाली है। मान सम्मान बढ़ते हुए दिखाई देगा। परिवार से भी आपको सहयोग मिलेगा। घर में इस दिन नया सामान आ सकता है। इन्वेस्टमेंट के मामलों में आप लकी रहेंगे। अचानक से धन लाभ इस दिन हो सकता है। आपकी लॉटरी भी लग सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत बेहतर होगा। सितारा आपका गुरुवार को बहुत बुलंद रहेगा। बात करें 17 तारीख शुक्रवार की, इस दिन अष्टमी तिथि रहेगी। चित्रा नक्षत्र होगा, मंगल का नक्षत्र रहने वाला है और शाम तक चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे, उसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि वालों, यह समय आपके लाभ का है। शुक्रवार को मुकदमेबाजी में आपकी जीत होगी। लड़ाई झगड़े में जीत मिलने की उम्मीद है। इस दिन आपको बड़ी सफलता अपने शत्रुओं पर मिलने वाली है। यह समय आपके पराक्रम का है। यह समय आपको लाभ देगा। पुराने उधार की वापसी इस दिन होगी। नए काम के लिए धन की व्यवस्था भी होगी और विदेशी कामों में लाभ की प्राप्ति बनेगी। दोस्तों, बात करें 18 तारीख शनिवार की, इस दिन नवमी तिथि रहेगी। स्वाति नक्षत्र होगा, राहु का नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा तुला राशि से गोचर करेंगे। अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में धन लाभ इस दिन हो सकता है। किस्मत आपकी चमक जाएगी। मन में बहुत सी नई इच्छाएं भी उत्पन्न होने वाली हैं। बच्चों से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी। बहुत भाग्यशाली दिन ये आपके लिए आने वाला है। हर काम में आप सफल होंगे। थोड़ा सा सब्र और धैर्य शनिवार को बनाए रखना जरूरी होगा। परिवार के लोगों की और समझदार लोगों की राय लेकर चलना इस दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। बात करें 19 तारीख रविवार की, इस दिन दशमी तिथि रहेगी। विशाखा नक्षत्र होगा, बृहस्पति का नक्षत्र रहने वाला है और चंद्रमा तुला राशि से गोचर करेंगे। मिथुन राशि वालों, यह समय आपके लिए बहुत बड़े लाभ का है। इस दिन आपकी अचानक से लॉटरी लग सकती है। व्यापार में इनकम बढ़ते हुए दिखाई देगी। रविवार को मन बहुत प्रसन्न रहेगा। करियर में भी उछाल आ सकता है। जॉब करने वालों के लिए समय बहुत भाग्यशाली है। मान सम्मान रविवार को बढ़ने वाला है। सामाजिक कार्यों में भी रुचि बढ़ सकती है।
दिन आपके लिए इतना उत्तम होगा कि हर काम में आप सफल होंगे। वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी, सेहत आपकी अच्छी होगी, परिवार में सुख शांति भी देखी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सच्चे मन से ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें।